हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए, आप लोग का ना 4 सेंटर का एग्जाम रद्द हो चुका है, तो हम आपको ये भी बताने वाले कि इनके बाद भी कोई सारा अपडेट आ रहा है या 4 सेंटर का एग्जाम रद्द हुआ है, तो उनको आप किस तरह ऑफिशियली वेबसाइट पे जाकर चेक कर सकते हैं। ये तो सिर्फ मैं बता रहा हूँ, आपको भी ये चीज पता होना चाहिए, आपको भी पता होना चाहिए कि किस तरह हम ऑफिशियली वेबसाइट देखें। तो हम आपको ये भी बताने वाले हैं, हालांकि जो 4 सेंटर का जो एग्जाम रद्द हुआ है वो हम आप लोग को बता दें। और इससे पहले हम आपको बता देते कि ये चैनल भी हम स्पेशली फॉर आप लोग के लिए डिजाइन किए, तो इनके अलावा आंसर की आ रहा है या इनसे रिलेटेड कोई एग्जाम से कोई इन्फॉर्मेशन है तो सारे कुछ हम इन्फॉर्मेशन दे देंगे और टेलीग्राम पर भी दे देंगे। और प्रैक्टिस सिर्फ देखना भूलिए कि नहीं, एक से लेके लगभग 33 तक प्रैक्टिस सेट हम प्रोवाइड करा चुके हैं, जिनका पीडीएफ टेलीग्राम पे और गाइस प्लेलिस्ट में आपको सारे के सारे वीडियो मिल जाएगा, तो उनको जरूर देखे जाएगा। मैं केवल एक सब्जेक्ट पढ़ाता हूं, जीके जेएस, उनको जरूर देखिएगा। 4 जो सेंटर गाइस बंद हुई है पे, मास शीतला इंफोटेक जिसका सेंटर हुआ होगा, इनका एग्जाम रद्द कर दिया गया। यहाँ पे हम आपको ये भी बताने वाले एग्जाम कब होगी और सेंटर क्यों रद्द किया गया यहाँ पे, ठीक है। इनका कंप्यूटर हब, इनका भी रद्द कर दिया गया। इनका वृंदावन इनोवेटिव, इनका एग्जाम कैंसिल कर दिया गया। मैत्रिया डिजिटल एग्जाम रद्द कर दिया गया। अब ये एग्जाम रद्द क्या हो क्यों हुआ होगा, तो ऑलमोस्ट आप लोग जानते हैं, गवर्नमेंट तो यही बताएगी, टेक्निकल इशू होने के कारण से एग्जाम को रद्द किया जा रहा है यहाँ पे। तो हम मानते हैं कि एक कोई एक सेंटर का टेक्निकल एरर आ सकता है, 2 एग्जाम का टेक्निकल एरर आ सकता है, 4 सेंटर का टेक्निकल एरर आ, तो कहीं ना कहीं कोई और भी बात हो सकता है जिसके कारण से टेक्निकल एरर बताया जाए। ये तो गवर्नमेंट की ओर से सफाई दिया गया है, है ना, जो भी बोर्ड है उनकी ओर से सफाई दिया है, टेक्निकल एरर होने के कारण से हम एग्जाम रद्द कर दे। तो इतना सारा एग्जाम का टेक्निकल एरर मेरे ख्याल से पॉसिबल नहीं है, बट कुछ भी हो सकता है गाइस। तो काफ़ी सारा इशू होने के कारण से ऑलमोस्ट आप समझदार हैं, जिसके कारण से एग्जाम का सेंटर रद्द किया गया है। हालांकि ये एग्जाम आपका जो भी कैसे एग्जाम रद्द हुआ वो आपके मेल पे भी गया होगा, पहला। दूसरा कैसे आप लोग का जो एग्जाम होगी वो भी आपको मेल के जरिए ही बता दिया जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि 18-19 को आप लोग का भी एग्जाम ले लिया जाएगा, क्योंकि गैस हम ये नहीं चाहते कि आप लोग का एग्जाम रद्द हुआ है तो फिर टाइम लगेगा एग्जाम लेने में, तो हम ये नहीं चाहते। मगर हाँ, हम जैसे गैस आप लोग का एग्जाम रद्द हुआ है तो हम उम्मीद करते हैं कि 17-18 को ले लिया जाएगा। अब ये नहीं कि 1-2 मंथ वेट करवाया जाएगा, ऐसा नहीं होगा, बहुत ही जल्दी मतलब 17 को खत्म हो जाएगा तो 18-19 से आप लोग का एग्जाम कंडक्ट करवा लिया जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और हम अगर इस सेंटर में एग्जाम हो गया तो कोई बात ही नहीं यहाँ पे, अगर इस सेंटर में नहीं एग्जाम हुआ तो समझ लीजिए कोई नहीं कोई बात होगी, इसी कारण से सेंटर के एग्जाम रद्द कर दिया गया। तो एक छोटा सा यही अपडेट देना था। हालांकि इसी अपडेट के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, फेसबुक पे, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने फ्रेंड को भी शेयर कर दीजिएगा। हम पल पल का इन्फॉर्मेशन आप लोग के बीच पहुंचाते रहेंगे LRC से रिगार्डिंग, यहाँ पे चाहे आंसर की हो चाहे क्वेश्चन हो, सारे के सारे कुछ यहाँ पे हम डिस्कस करते रहेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और हाँ, आप लोग हम सेंटर दिखाना भूल गए किस तरह आप लोग चेक कर सकते थे। देखिए कैसा, जैसे कि गैस ये कुछ देख सकते हैं, ये आप जो भी आपका ऑफिशियली वेबसाइट है वो ऑफिशियली वेबसाइट है, और ऑफिशियली वेबसाइट पे आप यहाँ पे जाएंगे, इंपॉर्टेंट नोटिस पे जाएंगे, देख रहे हैं, लेटेस्ट अपडेट पे जाएंगे, वहाँ क्लिक कर देंगे तो आपकी ये नोटिस खुल जाएगा। इसको थोड़ा जूमिंग करेंगे, ये आप खुद भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जाएंगे, इनका सारा डिटेल आपको मिल जाएगा पढ़ने को, ठीक है। यहाँ पे सारा कुछ डिटेल में बता देंगे हिंदी में ही लिखे, तो उनको आप जाके देख सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।